क्लास टेंथ की हिस्ट्री चैप्टर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है। राइट अ नोट ऑन गुज़िपी मेज़िनी। तो क्वेश्चन नंबर 1 के चार पार्ट्स है ए बी सी डी, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ए हमें दिया है राइट अ नोट ऑन गुज़िपी मेज़िनी। तो आंसर स्टार्ट करते हैं। गुज़िपी मेज़िनी, गुज़िपी मेज़िनी वॉज बॉर्न इन जेनोआ इन 1807। तो देखो गुज़िपी मेज़िनी जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था, जेनोआ में हुआ था। वो कहाँ का पार्ट है, वो इटली का पार्ट है। इटली जो कंट्री है उसका एक पार्ट है जेनोआ, तो उधर हुआ था इनका जन्म 1807 में। तो अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। एट द एज ऑफ 24 ही वॉज सेंट इन टू एग्जाइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग रिवॉल्यूशन इन लुजीरिया। तो देखो ये पॉइंट अगर मैं आपको ब्रीफली समझाऊं, तो देखो ये क्या थे, एक इटालियन नेशनलिस्ट थे, जैसे कि आप और मैं इंडियन नेशनलिस्ट थे वैसे ही इटालियन नेशनलिस्ट थे ये। तो ये क्या करते थे, धीरे धीरे इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाना स्टार्ट की, क्योंकि फ्रांस में उस टाइम पे मोनार्की का रूल चालू था। तो इटली में ही अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग राजा रूल करते थे, अलग अलग मोनार्की रूल करते थे। तो इससे क्या होता था, वो जो उनकी कंट्री थी वो नेशन स्टेट नहीं कहलाती थी। अब नेशन स्टेट क्या होता है, नेशन स्टेट मतलब कि एक कंट्री का स्पेसिफिक बाउंड्री होना, मतलब एक कंट्री पूरी डेमोक्रेटिक होना और साथ ही साथ उनका पूरा बाउंड्री होना। कभी क्या क्या हो जाता था कि देखो कभी कोई कंट्री आके क्या करती थी, मतलब कोई किंगडम आके क्या करती थी, उनकी जगह कैप्चर कर लेती थी, उनमें वॉर हो जाती थी, तो उनका स्पेसिफिक एरिया नहीं होता था। तो इसलिए क्या करते थे, इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाना स्टार्ट की, ताकि जो मोनार्कीज हैं उनके साथ रिवॉल्यूशन होके हम लोग को छुटकारा मिलने लगे। तो लेकिन एक काम करने लगे इटली के यूनिफिकेशन पे। तो अगर मैं आपको डायग्राम के साथ समझाऊं, तो देखो ये पूरी इटली है। अब ये इटली है, तो देखो ये नॉर्दर्न पार्ट है इटली का, इधर कोई और राजा रूल करता है, ये मिडल पार्ट है, और ये देखो साउदर्न पार्ट है इटली का, और इस साथ ही साथ इस एरिया में भी इटली के। तो मतलब पूरी जो इटली है उसको अलग अलग लोग रूल कर रहे हैं, अलग अलग राजा रूल कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, हम इनको क्या बोल सकते हैं, नेशन स्टेट नहीं कह सकते, क्योंकि अलग अलग राजा रूल कर रहे हैं इधर। तो इसलिए ये सब सिस्टम को खत्म करने के लिए क्या करते थे, इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाना स्टार्ट की। तो एक बार क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, रिवॉल्यूशन लाने का स्टार्ट किया। तो जब रिवॉल्यूशन लाने गए तो वो रिवॉल्यूशन में फेल हो गए। तो अब इधर से ये पॉइंट आता है। तो देखो जब ये रिवॉल्यूशन में फेल हो गए तो इन्हें क्या हुआ, देश से निकाल दिया गया। तो इसको ही बोला जाएगा एग्जाइल। एट द एज ऑफ 24 जब वो 24 साल के थे, तब वो रिवॉल्यूशन लाने के चक्कर में उधर रिवॉल्यूशन लाना चाहते थे, ताकि क्या हो जाए, उनका जो ये है इटली है वो थोड़ा सा आजाद हो जाए, उन्हें डेमोक्रेसी मिले। लेकिन क्या हुआ, वो क्या हो गए, फेल हो गए इसमें, और उन्हें देश से निकाल दिया गया। तो क्या हो गया, एट द एज ऑफ 24 जब 24 साल के थे तब उन्हें क्या किया गया, देश से निकाला गया, क्योंकि उन्होंने रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश की थी, कहा लुजीरिया में। ये समझा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट पे देखते हैं। ही फाउंडेड अंडरग्राउंड सोसाइटी नेम यंग इटली इन मर्सलीज एंड द यंग यूरोप इन बर्न। फिर भी देश से निकालने के जाने के बाद भी इन्होंने अपना काम जारी रखा, किसी ना किसी तरह से ये सीक्रेट सोसाइटी बनाना स्टार्ट किए और उधर रिवॉल्यूशन लाने का प्रयास किए। मतलब कि देखो वो उनको देश से निकाल दिया गया था, तो भी क्या हुआ, उन लोग ने लोगों के मन में क्या किया था, इच्छा जगा दिया था कि हमें अपने कंट्री में क्या चाहिए, पूरा डेमोक्रेसी चाहिए। सो देखो इन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। तो अब देखो ये थर्ड पॉइंट स्टार्ट होता है इधर से। ही फाउंडेड अंडरग्राउंड सोसाइटी नेम यंग इटली इन मर्सलीज। तो एक सोसाइटी का नाम था यंग इटली, वो जो कहाँ बनाया था इन्होंने मर्सलीज में, और देन यंग यूरोप इन बर्न। तो देखो इन्होंने दो सोसाइटी बनाई थी। अब आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं। ही बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी नेशनल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। देखो इसका इस पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर अलग अलग लोग, मतलब अलग अलग एरिया के लोग मिलकर एक कंट्री बनाना चाहते हैं और इसमें भगवान की भी इच्छा है, तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। और साथ ही साथ इनका सोचने का नजरिया ये था कि देखो मेरा देश टुकड़े में नहीं रहना चाहिए, मेरा देश एक साथ मतलब पूरा देश बन के रहना चाहिए, नेशन यूनिट, जैसे मैंने आपको बताया था कि उनकी स्पेसिफिक बाउंड्री होनी चाहिए, ये इनका सोचने का नजरिया था। तो ये चार थे इनके मेन पॉइंट्स। अब दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं बता दे रहा हूँ, अगर एग्जाम में आपको बड़ा आंसर लिखने को आ गया या बड़ा मार्क्स का पूछा गया, तो ये आप स्टार्टिंग में ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं। गुज़िपी मेज़िनी वाज़ एन इटालियन पॉलिटिशियन एंड जर्नलिस्ट। तो ये आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं फर्स्ट पॉइंट या सेकंड पॉइंट में। और साथ ही साथ देखो वो जो मतलब जब वो फ्रांस में थे, जब उन्हें
बाहर नहीं निकाला गया था देश से, तब उन्होंने क्या किया था, उन लोगों ने जब अलग अलग सोसाइटी बनाई थी, कौन सी सोसाइटी थी वो, ही वॉज अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी। तो ये दो पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, कहीं भी आप कर सकते हो, लेकिन लास्ट में मत करना, लास्ट में वो जो मेन पॉइंट है वो आपको रहने देना है, फर्स्ट सेकंड पॉइंट में या थर्ड पॉइंट में ऐड कर सकते हो। तो यही था क्वेश्चन, अगर आपको और ब्रीफ में जानना है तो आई बटन पे आपको दिया गया है कुजी भी मजनी के बारे में आपको पूरा। हिस्ट्री चैप्टर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का क्वेश्चन नंबर 1 का भी हमें दिया है, राइट अ नोट ऑन काउंट कैमिलो डी क्लेव। तो इनके ऊपर हमें एक नोट लिखना है, तो देखो इन्होंने क्या किया था वो हमें बताना है। तो पहले मैं आपको एक ब्रॉड डिस्कशन बता देता हूँ कि क्या हुआ था और इन्होंने क्यों किया ये सब। तो पहले देखो, जब इडली को हम मॉडिफाई कर रहे थे, हम नहीं मतलब उधर के जो किंग थे, वो क्या सोचे, हम मेरा नेशन जो है वो बिखरा पड़ा है, तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि अब हम लोग का नेशन एक हो जाए, तो क्या हो जाए, वो नेशन स्टेट बन जाए, मतलब हम लोग को एक नेशन स्टेट बनाए। नेशन स्टेट मतलब कि इटली जैसे अभी हमारी इंडिया है, तो इंडिया की क्या है, एक पर्टिकुलर बाउंड्री है कि इधर तक इंडिया है। अब इटली क्या है, इटली में इस टाइम में देखो, इटली भी अभी क्या हो गया, उनके पास पर्टिकुलर बाउंड्री है, लेकिन हम लोग क्या बात करें 1850 की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम देखो क्या हुआ था। तो उस टाइम जो उधर के राजा थे, कहाँ के राजा थे, सार्दिनिया पीडीमोंट के, वो कहाँ है, इस एरिया में देखो, ये जो एरिया है वो सार्दिनिया पीडीमोंट है, ये भी इटली का एक पार्ट है। तो उधर जो किंग थे उन्होंने बोला कि अब हमें अपना जो मतलब इटली है उसको एक पूरा इटली बनाना है, उसको एक नेशन स्टेट बनाना है। तो उन्होंने क्या किया, उधर उन्होंने चीफ मिनिस्टर जो थे उधर के, कौन थे चीफ मिनिस्टर, अब इधर से हम लोग का आंसर स्टार्ट होगा, कैमिलो डी क्लेव, तो ये थे उधर के चीफ मिनिस्टर। तो उन्होंने क्या किया था, उनके ऊपर काम सौंप दिया था। तो उन्होंने उनके ऊपर जब काम सौंप दिया, तो अब ये सब किसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई कि इटली को नेशन स्टेट बनाना है, कैमिलो डी क्लेव के ऊपर। तो अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट देखो, ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सार्दिनिया पीडीमोंट स्टेट। तो ठीक है, हमें पता है कि वो सार्दिनिया पीडीमोंट के चीफ मिनिस्टर हैं। साथ ही साथ ही लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रिलीजियंस ऑफ इटली। तो अब मैं आपको दूसरे मैप, मतलब इटली का एक दूसरा मैप है, उसके साथ समझाता हूँ उन्होंने क्या किया था। सेम वही डायग्राम है, इटली में क्या थे, चार पार्ट्स डिवाइड किए थे, मतलब इटली के, इटली है जो स्टेट वो क्या बिखरी पड़ी है, अलग अलग किंगडम्स के, जो अलग अलग किंगडम्स में अलग अलग रूलर रूल कर रहे हैं उन्हें। तो जैसे देखो, नॉर्दर्न एरिया में क्या कर रहे हैं, हैब्सबर्ग रूल कर रहे हैं, और मिडल में कोई और रूल कर रहा है, और साथ ही साथ किंगडम ऑफ टू इन्हें बोला जाता है, इधर कोई और रूल कर रहा है, और ये सार्दिनिया पीडीमोंट है। तो क्या चार अलग अलग किंगडम्स थे, उधर अलग अलग रूलर्स रूल कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया था, अब उन्होंने पहले कैप्चर करना स्टार्ट किया, पहले सोचा कि पहले मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ क्या, हाँ, तो फिर देखो नॉर्दर्न ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, तो इधर उन्होंने क्या किया, अब आगे पढ़ेंगे, पहले हम लोग को पॉइंट खत्म करने दो। ही लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रिलीजन ऑफ इटली। तो उन्होंने क्या किया, मूवमेंट रचा ताकि क्या हो जाए, इटली को एक नेशन स्टेट बना दिया जाए। ही वॉज नाइदर रिवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट। तो वो एक रिवॉल्यूशनरी भी नहीं थे और एक डेमोक्रेट भी नहीं थे, वो तो क्या कर रहे थे, उधर के जो किंग थे उनकी ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। तो ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन। तो मतलब ये क्या करते थे, ये फ्रेंच अच्छा बोलते थे। फ्रेंच किस सेंस में अच्छा बोलते थे, देखो इटालियन में ही पैदा हुए कुछ भी हुआ, लेकिन ये फ्रेंच बहुत अच्छा बोलते थे, फ्रेंच ज्यादा अच्छा बोलते थे इटालियन से, ये हमें बताया गया है। उसके साथ साथ ही इंजीनियर अ केयरफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस विद द हेल्प ऑफ सार्दिनिया पीडीमोंट सक्सीड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्स इन 1859। तो अब इस पॉइंट से हमें क्या समझता है, देखो उनका एक तो फ्रांस के साथ रिश्ता अच्छा था, मतलब कि उन्होंने क्या किया था, फ्रांस को अपना दोस्त जैसा बना के रखा था। तो फ्रांस की आर्मी को उन्होंने क्या किया, अपने साथ बोला, फ्रांस में गए, उन्होंने क्या बोला उधर के किंग को, बोला कि हम लोग को थोड़ी आर्मी दे दो, तो आर्मी उधर की फ्रांस की भी ली और क्या किए, जाके हमला कर दिया किधर, नॉर्थ ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग में। तो क्योंकि उन्हें क्या करना था, अपना इटली को एक नेशन स्टेट बनाना था, मतलब कि उसकी पर्टिकुलर लैंड बाउंड्री होनी चाहिए। तो उधर हमला कर दिया और वो जीत गए, तो क्या हो गया, अब एक पार्ट आ गया इटली का उनके पास। तो उन्होंने इटली का क्या किया था, नॉर्दर्न हैब्सबर्ग को ही क्या किया था, अपने पास लाया था, और बाकी का ये दोनों में से देखो मिडल जो पार्ट था, ये जो पार्ट था मिडल का, ये क्या हुआ था, ये खुद ही छोड़ के चले गए थे, वो डर के चले गए थे कि इटली अगर, मतलब अभी क्या हो रहा है, अभी सब लोग, मतलब अभी रिवॉल्यूशनरी आ रहे, तो इनके ऊपर हमला करने से अच्छा ये खुद ही छोड़ दिया, इन लोग ने खुद छोड़ दिया, और ये हमें किसी, मतलब कि देखो गुजीपी हैं, उन्होंने क्या किया, इस एरिया को उन्होंने कैप्चर किया, मतलब कि इस एरिया को उन्होंने बदला।
तो यही था हमारा क्वेश्चन का आंसर। अब देखो एग्जाम में आपको अगर 2 मार्क्स का पूछा रहेगा तो देखो जिस जैसे मैंने एरो किया इधर, तो एरो जो जो मैंने किया है वो मेन पॉइंट्स का, ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं, और जिधर एरो नहीं किया हो अगर वो पॉइंट्स आप लिखोगे नहीं तो भी चलेगा, लेकिन मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 5 मार्क्स का है तो आपको सब लिखना पड़ेगा, अगर 3-4 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है तो आपको 4 पॉइंट्स लिखना पड़ेगा। 1 का C हमें दिया है, राइट अ नोट ऑन द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हमें क्या करना है, एक नोट लिखना है या फिर बोल सकते हैं शॉर्ट नोट लिखना है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में कि क्या हुआ था क्या नहीं। तो सॉल्यूशन अब स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। फर्स्ट पॉइंट हमें क्या दिया है, इट वॉज एन इवेंट दैट मोबालाइज नेशनल फीलिंग अमंग द एजुकेटेड इलाइट ऑफ यूरोप। तो यह एक ऐसी घटना थी, ये एक ऐसी घटना थी जिसने क्या किया था, पूरे यूरोप में जो मतलब एजुकेटेड लोग हैं उनके मन में राष्ट्रवाद की फीलिंग जगाई, या फिर बोल सकते हैं रिवॉल्यूशन की फीलिंग जगाई, नेशनलिज्म की फीलिंग जगाई। उसके बाद सेकेंड पॉइंट देखते हैं, ग्रीस हैड बीन अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th century। तो ग्रीस क्या था, ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। तो ऑटोमन एम्पायर क्या हो गया, जो तुर्क साम्राज्य होते हैं उन्हें बोलते हैं ऑटोमन एम्पायर। जैसे हम बोल सकते हैं कि जो मुस्लिम लोग होते हैं, अगर आपको अच्छे से नहीं समझ रहा तुर्क मतलब, तो मुस्लिम लोग को हम बोल सकते हैं ऑटोमन एम्पायर। तो मुस्लिम लोग के इसमें क्या था, ग्रीस एक मतलब जो मुस्लिम लोग के जो कैप्चर कर लिया था, मतलब ग्रीस को कैप्चर कर लिया था मुस्लिम ऑटोमन एम्पायर ने, ऑटोमन एम्पायर का एक ग्रीस पार्ट था। फिर थर्ड देखते हैं, द ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक विच बिगन इन 1821। तो इस पॉइंट से तो देखो जो यूरोप में क्या हुआ था, यूरोप में रिवॉल्यूशन हुआ था, यूरोप में मतलब फुल यूरोप में नहीं, जैसे एक जगह पे रिवॉल्यूशन फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ था, तो उसको देख के क्या हुआ, ग्रीक इंस्पायर हुआ, तो उससे क्या हुआ कि नेशनलिज्म की फीलिंग ग्रीस के अंदर जगी। तो वहां उन्होंने क्या किया, लड़ाई किया, संघर्ष किया 1821 तक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आपको आंसर और मिलेगा, नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल एंड ऑल्सो फ्रॉम मेनी वेस्टर्न यूरोपियंस हु हैड सिंपथी फॉर द एंशियंट ग्रीक कल्चर। तो जो ये जो इन लोग का रिवॉल्यूशन हो रहा था ग्रीस का इंडिपेंडेंस के लिए, खुद को इंडिपेंडेंस चाहिए था, तो उसमें क्या किया था, उधर जो देखो जैसे ग्रीस है, ग्रीस में से जितने लोग को निकाला गया, जैसे हमने देखा था गुजीबी महजनी को निकाला गया था देश से, या फिर जो ग्रीस के जो लोग हैं जिन्हें ग्रीक बोला जाता है वो ग्रीस से बाहर हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्रीस से बाहर रहते हुए भी उन्होंने क्या किया, ग्रीस को सपोर्ट किया। और साथ ही साथ जो यूरोप वेस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज थी उन्होंने भी क्या किया, सपोर्ट किया, क्योंकि वो जो ग्रीस थी वो क्या थी, एक एंशियंट रिलीजियस प्लेस थी क्या थे, यूरोपियंस के, तो इसलिए उन्होंने उसे सपोर्ट किया। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट देखो, फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल ऑफ 1831 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो फिर क्या हुआ, जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल थी जिसको क्या किया था, ग्रीस ने साइन किया था ऑटोमन एम्पायर के साथ, तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि अब ग्रीस क्या है, ऑटोमन एम्पायर का पार्ट नहीं है, अब वो क्या हो चुका है, इंडिपेंडेंट हो चुका है। तो यही था हमारा ये आंसर तो दे दिया है, उसका हम पार्ट डी करने जा रहे हैं, ABC जैसे हम करते हैं वैसे अब डी करेंगे, और डी के ऊपर एक नोट लिखेंगे, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के नोट के ऊपर, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या है, कैसे है, वो सब देखने वाले। तो फर्स्ट पॉइंट हमें क्या दिया है, इट वॉज एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली फॉर्म बाय मिडिल क्लास प्रोफेशनल बिजनेसमैन एंड प्रॉस्परस आर्टिस्टन्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट जर्मन रिलीजन। तो देखो ये एक ऐसी नेशनल असेंबली है जिसे मिडिल क्लास ने बनाया था। अब मिडिल क्लास में कौन आते हैं, मिडिल क्लास में ऐसे लोग आते हैं जैसे पहले अब वो नॉर्मल कैटेगरी में आते थे, मतलब पहले नॉर्मल लोग की तरह ही थे, लेकिन क्या हुआ, वो बिजनेस और ट्रेड्स करके और बहुत सारे आर्टिस्ट ने क्या किया, ट्रेड्स ये सब करके वो क्या आ गए, ऊपर आ गए, और अब क्या हो गए, उनके पास पैसा आने लगा, इसलिए हम बिजनेस क्लास उन्हें बुलाएंगे, और इसलिए एक स्पेसिफिक नेम से बुलाएंगे उन्हें जो है मिडिल क्लास, क्योंकि राजा के पास सबसे ज्यादा पैसा होता है, उसके बाद हम सेकंड पे जाएंगे, तो मिडिल क्लास में आते हैं ये लोग। अब इन लोग ने ये क्यों बनाया था नेशनल असेंबली, क्योंकि क्या करना था, इन्हें जर्मनी को इंडिपेंडेंट देना था। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं, ऑन इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन 18 May 1848 इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल एट फ्रैंकफर्ट वेयर 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मार्च इन अ फेस्टिव प्रोसेशंस टू टेक देयर प्लेस। तो देखो इन्होंने क्या किया था, एक मीटिंग बुलाई थी सेंट पॉल चर्च में, वो कहाँ है, फ्रैंकफर्ट में है। इन्होंने ऐसा क्यों किया था ये हम देखने वाले हैं। सेंट पॉल चर्च में इन्होंने मीटिंग बुलाई थी 18 May 1848 को, जहाँ क्या हुआ था, 830
831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब 831 रिप्रेजेंटेटिव ने क्या किया, उन्हें अपना प्लेस चाहिए था, अपनी जगह चाहिए थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, वहां मार्च किया। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशनल टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्टेड टू अ पार्लियामेंट। तो वहां किया क्या किया, 831 जो लोग थे उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ताकि क्या हो, अब राजा के सामने अगर ये प्रस्तुत करेंगे तो शायद राजा हाँ कर दे, तो फिर क्या होगा, मोनार्की की जो पावर है, राजा की जो पावर है वो लिमिट हो सके और राजा कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में काम करे, जैसा ऐसा नहीं कि राजा को जो मन में आया वो करे। तो इन्होंने ऐसे काम किया था। अब उसके बाद फोर पॉइंट देखते हैं, तो व्हेन द डिप्यूटी ऑफर्ड टू द क्राउन ऑन द ट्रीज ऑन दीज टर्म्स टू फ्रेडरिक विलियम फोर किंग ऑफ प्रुशिया ही रिजेक्टेड इट एंड joined other monarchs to oppose the elected assembly। तो क्या हुआ, जब इन लोग उधर जाके क्या किए, राजा के सामने कॉन्स्टिट्यूशन दिखाए, तो इन्होंने फ्रेडरिक विलियम फोर जो थे उधर के किंग थे, किंग ऑफ प्रुशिया, तो जर्मनी जो है वो पहले प्रुशिया थी, प्रुशिया आगे जाके जर्मनी ही बनी, तो इसलिए किंग ऑफ प्रुशिया बोलेंगे। अभी ये किंगडम का सब चालू है, हम लोग जर्मन ऐसे ही बोल रहे हैं अभी। तो क्या हुआ, जब राजा के सामने उन लोग ने क्या किया, वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रस्तुत किया, तो राजा ने क्या किया, राजा की जो पावर थी वो लिमिट हो जाती इससे, इसलिए उसने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर दिया और बोला कि मैं अपना रूल चलाऊंगा। और जहां उधर की जो अंडर, उसके अंडर में जो काम करते थे, उसके अंडर में जो मोनार्क्स थे वो भी अपोज करने लगे थे, बोल रहे थे कि नहीं बनेगा, और उधर के जो मिलिट्री के लोग थे उन्होंने भी इन्हें मना कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो इन लोग का ये था, पूरा पार्लियामेंट था, नेशनल असेंबली इन लोगों ने बनाई थी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की, तो क्या हुआ, पूरा खत्म हो गया, पूरा फेल हो गया। तो यही था हमारा आंसर डी। ई हमें दिया है द रोल ऑफ वुमन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल। तो देखो, जैसे हम लोग ए बी सी डी तक नोट लिखते आए हैं, शॉर्ट नोट, वैसे ही हमें ई पॉइंट भी दिया है, इस पे भी नोट लिखना है। तो अभी नोट, शॉर्ट नोट किसके ऊपर लिखना है, द रोल ऑफ वुमन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल। तो जो देखो, यूरोप में जो रिवॉल्यूशन हुआ था, तो वुमन का क्या रोल था उसमें, उसके बारे में हमें लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमें क्या दिया है, वुमन ऑफ लिबरल मिडिल क्लास कम्बाइंड देयर डिमांड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल विद नेशनल यूनिफिकेशन। तो क्या किया था, जो लिबरल मिडिल क्लास के वुमन्स थी, अब लिबरल मिडिल क्लास कौन है, जो देखो मोनार्की के बाद जो ऊपर अपर सेक्शन में आ गए थे, मिडिल क्लास के लोग आ गए थे, कैसे लोग थे, जो बिजनेसमैन थे, ट्रेडर्स थे, जो जिनके पास ज्यादा पैसा आने लगा था, तो उनकी जो वाइफ्स थी वो है उधर की वुमेन, तो लिबरल वुमेन, तो वो हो गए, तो वो आ गए, और उनकी भी डिमांड थी, अपनी अपनी अलग अलग डिमांड थी कि उन्हें क्या करना है, नेशन को नेशन स्टेट बनाना है, मतलब कि उनके पास मोनार्की का रूल हट जाना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, हम लोग का जो पूरा, जैसे फ्रांस है, तो फ्रांस में क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट आ जानी चाहिए, इनका ये आइडिया था। तो इन लोग ने भी क्या किया था, पार्ट लिया था नेशनलिस्ट में, क्या करने के लिए, अपना नेशन स्टेट बनाने के लिए। दे टुक एडवांटेजेस ऑफ ग्रोइंग पॉपुलर Unrested to push their demands for the creation of nation state on parliament principles, a constitution free, freedom of the press and freedom of association। तो जैसे मैंने बताया कि उन्हें क्या चाहिए था, उन्हें एक नेशन स्टेट की तरह चाहिए था। नेशन स्टेट मतलब क्या हो गया, एक पर्टिकुलर लैंड बाउंड्री होनी चाहिए, गवर्नमेंट रूल करना चाहिए, और साथ ही साथ देखो उन्होंने क्या किया था, देखो अभी उधर कोई बोल नहीं रहा था, जो लोअर क्लास के लोग थे उन लोग तो कुछ बोल नहीं रहे थे, तो मिडिल क्लास के जो मैन थे, वुमेन थे, सब लोग उठ के आए, तो वुमन भी उसमें उठ के आई थी। तो उन्होंने भी क्या किया, एडवांटेज लिया इसका, और उन्होंने बहुत सारी चीजें किए, न्यूज़पेपर्स भी पब्लिश किए, और बहुत सारी चीजें पब्लिश भी की, और सब लोग को जुटाया ताकि क्या हो, सब लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, और वो क्या हो, राजा को दिखाया जाए। अभी तक ये इतना नहीं दिया है पॉइंट में, लेकिन मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ। अब सेकेंड पॉइंट क्या दिया है, वुमन हैड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, फाउंड न्यूज़पेपर्स एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन। तो देखो वुमन ने क्या किया था, सब लोग को जुटाया था। वो कैसे जुटाया था, उन लोग ने क्या, न्यूज़पेपर उन लोग ने खोजा था, तो फिर न्यूज़पेपर में उन्होंने सब लिखा कि कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हम लोग को एक नेशन स्टेट बना के रहना चाहिए। तो मिडिल क्लास के लोग थे, उससे क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, टीवी पे प्रेस बुलाया, और साथ ही साथ टीवी पे भी जैसे हम उन्होंने दिखाया, तो ये सब अलाउड नहीं था, लेकिन लोग छुप छुप के कर रहे थे ये सब। तो वुमन ने क्या किया, बहुत बड़ा रोल प्ले किया सबको जुटाने के लिए, ताकि क्या हो, नेशन स्टेट फॉर्म हो सके। तो यही हमें ये पॉइंट में दिया कि वुमन का क्या रोल रहा। टू हमें दिया है, What step did the French Revolutionary take to create a sense of collective identity among the French people? तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है,
ये जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरी थे, अब पहले बात कब की है बता दे रहा हूँ, जब लुई 16 को लोगों ने उधर के हरा दिया था, जब लुई 16 हार चुके थे, उसके बाद जब फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था, मतलब फ्रेंच रिवोल्यूशन होने के बाद जब वो क्या हुआ, रूल पीपल के हाथ में आया, पीपल के हाथ में पावर आई, तो उन्होंने क्या कैसे किया और सबके मन में कलेक्टिव आइडेंटिटी, मतलब बोल सकते हैं कि सबके मन में इक्वल टॉट कैसे लाए कि वो उस नेशन के ही लोग हैं, वो एक जैसे रह सकते हैं, गवर्नमेंट बना के सब लोग एक जैसे रह सकते हैं, वो हमें देखना है क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि जब फ्रेंच आजाद हुआ, ये कब की बात कर रहे हैं, लुई 16 के हारने के बाद की बात कर रहे हैं, तब फ्रेंच के पीपल ने क्या किया, क्या रोल प्ले किया, ताकि क्या हुआ, सबके मन में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप हुई, इक्वल थॉट्स डेवलप हुए। तो आंसर हमारा स्टार्ट होता है फर्स्ट पॉइंट से, द आइडिया ऑफ ला पैटरियन द फादरलैंड एंड द ला सिटी ऑन द सिटीजंस। तो देखो ला पैटरियन मतलब क्या हो गया, फादरलैंड, द आइडिया ऑफ ला पैटरियन फादरलैंड, जैसे हम लोग अपना बोलते हैं ना भारत माता, वैसे इन लोग क्या बोलते हैं, फादरलैंड, तो ये हो गया फादरलैंड। और ला सिटी ऑन मतलब द सिटीजंस, तो वहां के जो लोग है, चाहे आप कोई भी नेशन के हो, मतलब नेशन नहीं, मतलब कोई भी जैसे कल्चर के हो, कोई भी रिलीजन का हो, चाहे आप मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, लेकिन पहले आप क्या हो, उधर के एक सिटीजन हो, तो ये ला सिटी ऑन मतलब हो गया। एक एग्जांपल के हिसाब से मैं समझाया हूँ ला सिटी ऑन का मतलब, द सिटीजन, तो उधर के सिटीजन क्या है, इक्वल है, तो ये फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है। उसके बाद उन लोग ने क्या क्या किया था, सेकेंड पॉइंट में देखते हैं, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। तो मतलब उन्होंने क्या किया, अब एक ट्राई कलर फ्लैग लाया। अब ट्राई कलर फ्लैग कौन सा है, देखो ब्लू व्हाइट और रेड का, क्योंकि देखो सबको इक्वल दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक फ्लैग इंट्रोड्यूस किया। तो इस फ्लैग से क्या है, आप सब लोग एक इक्वल है, कैसे बोल सकते हैं, सबके मन में क्या है, इक्वल इक्वालिटी डेवलप करने के लिए, इक्वल थॉट्स डेवलप करने के लिए उन्होंने ये फ्लैग बनाया। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, नेशन का एक क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर ये भी होना चाहिए, जैसे हम बोल सकते हैं कि नेशन को पहचानने के लिए कोई सिंबल होना चाहिए, ये भी बता सकते हैं। और थर्ड क्या दिया है, द एस्टेट जनरल वॉज रीनेम एज द नेशनल असेंबली एंड इलेक्टेड बाय अ बॉडी ऑफ एक्टिव मेंबर्स। तो पहले क्या होता था, उधर एस्टेट जनरल चलते आती थी, तो उसके बाद पहले देखो लोई 16 थे तब एस्टेट जनरल चल के आती थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक नई गवर्नमेंट फॉर्म की, तो उसका नाम रखा नेशनल असेंबली, एक नई जगह फॉर्म की, तो एस्टेट जनरल को रिप्लेस करके क्या किया, नेशनल असेंबली फॉर्म की। तो क्या करते थे, वहां सब लोग इलेक्ट करते थे और उनका एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता था। न्यू हिम्स वर कंपोज्ड एंड ओट्स टेकन एंड मार्ट्रीज कमोडेट ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। तो उन्होंने क्या किया, नए हिम्स लाए, नए ओट्स लाए। अब हिम्स क्या होता है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, अपना नेशनल सॉन्ग होता है जनगण मन, सॉरी नेशनल एंथम होता है जनगण मन, तो उधर का कुछ एंथम होगा, वो हो गया नेशनल एंथम उधर का। और ओट्स भी उन लोग ने लाए, ओट्स मतलब शपथ लिए है बहुत सारे, तो ये सब इन लोग ने किया। अब उसके बाद देखते हैं और चार पॉइंट्स हैं, वो देखते हैं। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इलाइट यूनिफॉर्म लॉ वॉज इंट्रोड्यूस फॉर ऑल द सिटीजन्स। तो क्या हुआ, पहले क्या होता था, जैसे वो फ्रांस पहले कंट्री नहीं थी, पहले किंगडम से उधर बहुत सारे, तो अलग 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 जगह पे अलग अलग लोग कैप्चर करके रखे थे। तो कोई पर्टिकुलर जगह पे कोई पर्टिकुलर टैक्स लगेगा, कोई पर्टिकुलर जगह पे कोई पर्टिकुलर टैक्स लगेगा, मतलब पूरे फ्रांस में क्या होता था, इक्वल टैक्स नहीं लगता था, कुछ जगह पे कुछ अलग टैक्स लगता था और कुछ जगह पे कुछ अलग टैक्स लगता था। तो ये सब हटाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक यूनिफॉर्म लॉ इंट्रोड्यूस किया, ताकि क्या हो, अब सबका जो टैक्स हो वो इक्वल हो, पूरे देश में क्या हो, टैक्स इक्वल हो। उसके बाद इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड। तो क्या हुआ, जो पुराने सबके ड्यूज थे उन्हें खत्म कर दिया, जो पुराने सबके लोन थे उन्हें भी हटा दिया, और उन्होंने क्या किया, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स को अडॉप्ट कर लिया। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि पहले क्या होता था, स्पेसिफिक यूनिट नहीं होते थे मेजर करने के लिए, जैसे कोई पत्थर लेके मेजर कर देता था, हमें पता नहीं होता वो पत्थर कितने वजन का है, तो बोलता था वो 1 किलो है, तो उस पत्थर को मेजर करके दे देता था हमें कोई भी चीज, तो क्या होता था, हम लोग को कुछ पता नहीं रहता था। तो उन्होंने क्या किया, एक यूनिफॉर्म सिस्टम मतलब लाया, ताकि क्या हो, अब वेट और मेजरमेंट सब इक्वल हो, एक ही स्पेसिफिक यूनिट को पकड़ा जाए। अब देखते 7 पॉइंट, रीजनल डायलेक्ट्स वेर डिस्करेजेस एंड फ्रेंच एज इट वॉज स्पोकन एंड राइटन इन पेरिस बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। तो अब क्या किया, सब लोग अलग अलग लैंग्वेज के थे उधर, मतलब बहुत जन अलग के थे, लेकिन ज्यादातर क्या थे, फ्रेंच थे, क्योंकि वो फ्रांस था। तो उसके साथ साथ एज इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस, तो फ्रेंच को क्या बोला जाता था, पेरिस में बोला जाता था और लिखा भी जाता था। तो क्या किया, फ्रेंच को क्या कर दिया, उधर का कॉमन लैंग्वेज या बोल सकते नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया।
तो फ्रेंच ज्यादातर सब लोग उधर बोलते हैं। अब 8 पॉइंट देखो, तो रिवोल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर दैट इट वॉज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू बी लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डिस्पोटिज्म, इन अदर वर्ड्स टू हेल्प अदर पीपल ऑफ द यूरोप टू बिकम नेशन। तो हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि एक फर्स्ट स्टेप हो गया, जिससे क्या हो, जैसे अभी इन लोग इक्वल हो गए, मतलब इन लोग ने क्या किया, पहली बार ऐसा हुआ था कुछ कि मोनार्की को हटा के पीपल का रूल आया था। तो इनका क्या मिशन था, जैसे अभी इन लोग ने फ्रांस में किया है वैसे ही सब क्या करेंगे, नेशनलिज्म की फीलिंग आगे पूरे यूरोप में बढ़ा देंगे और सब क्या हो जाएगा, सब लोग इक्वल हो जाएगा, इक्वल जैसे बोल सकते हैं, सब लोग को इंडिपेंडेंस मिल जाएगा किससे, मोनार्क्स से। और जो उनके ऊपर जैसे कुछ गलत व्यवहार हो रहा था उन्हें भी हटा दिया जाएगा और उन्हें इंडिपेंडेंस मिल जाएगा। तो यही था ये पूरे 8 पॉइंट्स और ये क्वेश्चन 2 था। तो अगर आपको ये दिया है, हु वेयर मैरियन एंड जर्मेनिया, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वे इन विच दे वेयर पोर्ट्रेट, तो मतलब मैरियन और जर्मेनिया ये कौन है हमें ये बताना है, और साथ ही साथ वो उनके जो अलग अलग पोर्ट्रेट्स बनाए गए थे क्या बनाए गए थे वो सब हमें बताना है। तो फिर हमें अपना आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट से हम अपना आंसर स्टार्ट करेंगे। इन द 18th एंड 19th सेंचुरी आर्टिस्ट रिप्रेजेंट द कंट्री एज इफ दे आर पर्सन, तो 18th और 19th सेंचुरी में आर्टिस्ट लोग ने उधर के क्या किया था, अपने कंट्री को ऐसा दर्शाया था कि वो ऐसे एक वुमेन है, एक पर्सन है। तो जैसे हम लोग ने देखा है हमारे कंट्री में भारत माता है, वैसे उधर की कंट्री में मैरियन और जर्मनिया थी, जर्मनी में जर्मनिया और फ्रांस में मैरियन। अब ये कौन थे क्या थे हम देखने वाले। तो फर्स्ट पॉइंट जितना हमको समझा वो मैंने बताया। सेकेंड पॉइंट में क्या दिया है, नेशंस वेर पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर, तो नेशन को क्या किया था, फीमेल फिगर जैसा दिखाया गया था। डेट वॉज सोट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन अ कंसर्न फॉर्म, तो देखो क्या था, जो नेशन था जैसे उनको पूरा क्या कि जो नेशन है वो लिबर्टी और अलग अलग आइडिया को दिखाती है, जैसे कि सब लोग इक्वल है। जैसे हम लोग सोचेंगे इंडिया का मैप, अगर मैं बोलूँ आपको इंडिया तो आपके मन में देखो इंडिया का मैप आएगा, वैसे ही इधर था। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, द फीमेल फॉर्म्स दैट वर चूजन टू पर्सनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ, तो क्या किया था, जो सेकंड पॉइंट में हमने देखा कि फीमेल को ऐसा चूज किया था ताकि क्या हो, वो हमारे मतलब हम लोग की जो नेशन रहेगी, हम लोग की जो कंट्री रहेगी उसे दर्शाए। तो ये जो चुना गया था फीमेल को, वो असली में कोई फीमेल सिट नहीं करते थे, मतलब वो असली में कोई फीमेल नहीं थी, वो बस इमेजिनरी फीमेल थी, मतलब इमेजिन किया गया था उन्हें ऐसे सोच के, जैसे हम लोग ने भारत माता को सोचा है वो असली में क्या है, एग्जिस्ट नहीं करती वैसे। दस इन फ्रांस शी वॉज क्रिश्चियन मैरियन अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम विच अंडरलाइज द आइडिया ऑफ ने पीपल एज ए नेशन पीपल नेशन, तो फ्रांस में क्या किया गया था, फ्रांस में क्या किया गया था, चुना गया था जैसे हम लोग में भारत माता चुना गया है वैसे ही फ्रांस में चुना गया था क्रिश्चियन मैरियन। ये कहाँ से उठाया गया था नाम, एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम था उधर से उठाया गया था। तो ये क्या करती है, अपने नेशन दिखाती है, पीपल एज ए नेशन की आइडिया सेटिस्फाई करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अब फिफ्थ पॉइंट हमें क्या दिया है, हर कैरेक्टरिस्टिक वर ड्रॉन फ्रॉम दोस ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक द रेड कैप द ट्राइकलर, तो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो कहाँ से लिया गया था, लिबर्टी के आइडियोलॉजी से लिया गया था। और साथ ही साथ जो द रेड कैप ट्राइकलर ये सब क्या है, फ्रांस में देखो रेड कैप पहने थे बहुत सारे स्लेव्स, उन क्या किए थे, इंडिपेंडेंस दिखाने के लिए। और साथ ही साथ उधर देखो ट्राई कलर फ्लैग शायद इटली या कहीं तो इंट्रोड्यूस किया गया था, ये सब क्या किया था, दिखाया गया था लिबर्टी है, मतलब कि सब इक्वल है। अब स्टैचू ऑफ 6 पॉइंट देख रहे हैं हम, स्टैचू ऑफ मैरियन वेर इंस्टॉल्ड इन पब्लिक स्क्वायर मैरियन, अब मैरियन पे आ गए हम लोग, पब्लिक स्क्वायर मतलब कहा किया गया था, जैसे हम लोग का इंडिया में कुछ कुछ जगह पे क्या किया गया, भारत माता का क्या किया मूर्ति बनाया गया है, वैसे क्या किया था, मैरियन जो है उनका एक क्या किया गया था, स्टैचू जैसा बनाया गया था पब्लिक स्क्वायर में। और वो क्या करते थे, वो मतलब एक सिंबल दिखाते थे यूनिटी का। अब 7 पॉइंट देखते हैं, मैरियन इमेजेस वेर मार्क ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प टू, तो मैरियन की जो इमेजेस थे, मतलब जो मैरियन है भारत माता जैसे हम लोग की है वैसे उधर की जो मैरियन है, उन्होंने क्या उनका क्या किया गया था कॉइन्स पे और क्या किया गया था स्टैम्प्स पे, क्या किया था उनका जो फोटो है उनका पिक्चर इमेज है उन्हें लगाया गया था। और 8 पॉइंट देखते हैं, सिमिलरली जर्मेनिया बिकम द एल्गेरी ऑफ जर्मन नेशन, तो वैसे ही जर्मेनिया भी है वो एक फीमेल एल्गेरी है उधर की। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मेनिया वेयर अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स बिकॉज द जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म, तो देखो तो जर्मेनिया में जो उधर की जो मतलब जो फीमेल एल्गेरी थी वो क्या थी,
क्राउन का मतलब ओक पहनी थी, सॉरी क्राउन पहनी थी किसका, ओक लीव्स का, क्योंकि क्या करते थे हीरोइज्म को दिखाने के लिए। ओक क्या था उधर का एक पर्टिकुलर, मतलब बोल सकते हैं कि उधर ज्यादा उगता था, इसलिए हीरोइज्म को दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया था, ओक लीव्स का ताज पहना था। तो अब लास्ट देखते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ द वे इन विच दे वेर पोर्ट्रेट वॉज टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ देयर नेशन सिंबल्स ऑफ यूनिटी एंड प्रिसर्व देम टू आइडेंटिफाई विद देम। तो देखो मेन चीज क्या था, ये सिंबल्स दिखाने का, ये फीमेल एल्गरीज को दिखाने का, ताकि क्या हो, ये दिखाए कि हमारा कितना पर्टिकुलर नेशन है, और साथ ही साथ नेशन में क्या है यूनिटी दिखाए, ताकि सब लोग इक्वल रहें, कोई कोई ऊपर नीचे ना रहे, और हम लोग क्या करें अपनी जो नेशन है उसे हम दिखा सके, दर्शा सके। तो यही था हमारा क्वेश्चन का आंसर हमें दिया है। ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। तो जर्मनी कैसे यूनिफाई हुआ इसके बारे में हमें ब्रीफली बताना है। तो हमारे फर्स्ट पॉइंट से आंसर स्टार्ट होता है। इन 1848 द मिडिल क्लास जर्मन ट्राइड टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन ऑफ द जर्मन कॉन्फेडरेशन इनटू अ नेशन स्टेट गवर्न्ड बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। तो क्या हुआ था 1848 में मिडिल क्लास जो इमर्ज होके आए थे, मिडिल क्लास जो निकल के आए थी, कौन थे मिडिल क्लास के लोग, जो बिजनेसमैन थे, जो मतलब पैसे वाली पार्टी थी वो थे। तो जो निकल के आए थे मिडिल क्लास के लोग, उन्होंने क्या किया था जर्मन को यूनिफाई करने के लिए, जर्मनी को एक नेशन स्टेट बनाने के लिए क्या किया था, हम बोल सकते हैं रिवॉल्यूशन किया था। तो वो रिवॉल्यूशन में क्या हुआ हमें बताना है। तो उन्होंने एक पार्लियामेंट बनाया और साथ ही साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसको वो राजा के सामने लेके गए थे। उसके आगे क्या हुआ सेकेंड पॉइंट में हमें दिए हैं। दे वर हाउएवर रिप्रेस्ड बाय द कम्बाइंड फोर्स ऑफ मोनार्की एंड द मिलिट्री सपोर्ट बाय द लार्ज लैंड ओनर ऑफ प्रुशिया। तो उसके बाद क्या हुआ, जब वो लेके गए थे वो कॉन्स्टिट्यूशन राजा के पास, और राजा ने क्या किया, उसकी जो आर्मी है मिलिट्री है और साथ ही साथ जो उसके साथ जो बिग लैंड ओनर्स है उसके जो राजा के साथ मिले हुए हैं प्रुशिया के, उन्होंने क्या किया मिलके वो कॉन्स्टिट्यूशन को मना कर दिया, क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या होता है राजा की पावर लिमिट हो जाती। अभी क्या है राजा कुछ भी कर सकता है, फ्री है पूरा, लेकिन वो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लेता तो वो थोड़ा सा मतलब जैसे कैदी हो जाता उनका, उनको ऐसा नहीं होना था। इसलिए फिर थर्ड पॉइंट हमें दिया है, फ्रॉम देन ऑन प्रुशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। तो उसके बाद देखो, इसके पहले एक पॉइंट आएगा वो मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन उसमें लिखना नहीं है आपको कि देखो राजा सोचा था, एक बार तो राजा ने इनको रिप्रेस कर दिया, मतलब इनको तो बंद कर दिया इनका आवाज, इनका ये फेल तो हो गया, लेकिन अगर अगली बार सब उठ के आए तो अभी मिडिल क्लास ही आए हैं, अगर मिडिल क्लास के साथ ही साथ पीजेंट्स भी आ गए सब मिलके, तो ये शायद ये हार सकते हैं राजा। तो राजा के मन में डर पैदा हो गया था। उसके बाद ये पॉइंट हमें दिया है, फ्रॉम देन ऑन प्रुशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। तो उसके बाद क्या हुआ प्रुशिया में, क्या हुआ जो प्रुशिया में अलग अलग किंगडम्स डिवाइड हुए थे, एक नेशन स्टेट नहीं था। नेशन स्टेट मतलब कि जैसे प्रुशिया आगे जाके जर्मनी बना, तो जो प्रुशिया है प्रुशिया एम्पायर कहीं और है, और साथ ही साथ अलग अलग एम्पायर थे जर्मनी में ही। तो ये नहीं करना था उन्हें, क्या करना था एक नेशन स्टेट बना के रहना था। तो उसके लिए क्या हुआ कोई एक राजा उठ के आया, वो कौन था वो आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। तब इस पॉइंट में हमें क्या दिया है फोर्थ पॉइंट में, इट्स चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑटोमन बिस्मार्क। तो क्या हुआ जो प्रुशिया के जो चीफ मिनिस्टर थे ऑटोमन बिस्मार्क, उन्होंने क्या सोचा कि अब मेरा देश तो बिखरा हुआ है, पूरा जर्मनी था वो पूरा बिखरा हुआ था, कहीं अलग क्या थे अलग किंगडम्स थे और कहीं अलग किंगडम्स थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि अभी मेरे को अपना क्या करना पड़ेगा यूनिफाई करना पड़ेगा। एक किसी के अंडर में काम कर रहे थे, वो था केसर विलियम वन, उन्होंने क्या किया था इनके ऊपर बोला था कि तुम ये करके दोगे। तो ये क्या हुआ देखते हैं, केसर विलियम वन जो थे उन्होंने क्या बोला था कि मैं पूरे जर्मनी को एक नेशन स्टेट बना दूंगा। जैसे एग्जांपल के साथ बताऊं तो अगर समझो अगर अभी राजस्थान का कोई राजा है वो क्या करेगा, समझो इंडिया में क्या क्या है अलग अलग किंगडम्स डिवाइड किए हुए हैं, तो अगर कोई राजा बोलता है कि मैं पूरा जो किंगडम्स है उसको हटा के पूरा इंडिया ला दूंगा वापस जैसे था, हम लोग का भारत पहले जैसे था वैसे वापस कर दूंगा, तो सब लोग उसको सपोर्ट करेंगे क्योंकि उन्हें क्या चाहिए था पहले का इंडिया चाहिए। तो वैसे ही इधर क्या हुआ, इधर के जो प्रुशिया के जो क्या थे राजा थे उन्होंने क्या किया, केसर विलियम वन वो मिल गए, किसके साथ मिल गए मिडिल क्लास के साथ, और बोले कि अब क्या करना पड़ेगा हमें पूरे जर्मनी को एक साथ इकट्ठा करना पड़ेगा, जर्मनी को एक जर्मनी बनाना पड़ेगा, जैसे अभी वो किंगडम में बिखरा हुआ है उसे जर्मनी बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो उधर के चीफ मिनिस्टर थे उन्हें ये ऑर्डर दिया कि ये काम तुम करोगे। तो उसके बाद से ये पॉइंट स्टार्ट होता है।
Its chief minister Otto Bismarck was the architecture of his process with the help of Prussian army and bureaucracy. Prussian army के साथ ही साथ क्या किया था chief minister ने, क्या किया था, देश को unify करने का वोर किया था. Fifth point हमें दिया है, three wars over 7 years with Austria and Denmark of France ended in Prussia victory of complete the process of unification. तो इस पॉइंट में हमें क्या समझता है, मैं आपको एक डायग्राम के साथ बताता हूँ. तो देखो ये क्या है, केसर विलियम वन है जिन्होंने क्या किया था, ऑर्डर दिया था. किसे ऑर्डर दिया था, नेशन को यूनिफाई करने के लिए इन्होंने ऑर्डर दिया था ऑटोमन बिस्मार्क को. वो कौन है, उनका भी फोटो इधर है. तो ये क्या है, प्रुशिया के चीफ मिनिस्टर है और वो प्रुशिया के राजा थे. तो इन्होंने ऑर्डर दिया था कि पूरी जर्मनी को जर्मनी बनाना है, जैसे कि इधर प्रुशिया एम्पायर है, साथ ही साथ फ्रांस पड़ा लगाई है प्रुशिया, मतलब जर्मनी का अलग अलग जगह में फैला हुआ है जर्मनी, पूरा जर्मनी एक नेशन स्टेट की तरह नहीं है. तो क्या हुआ, 7 इयर्स का वॉर लड़ा गया. जो केसर विलियम वन है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने दिया था उनके चीफ मिनिस्टर को कि तुम ये करो, यूनिफाई करो. तो उन्होंने 7 इयर्स का वॉर लड़ा मिलिट्री को लेके, किसके साथ, ऑस्ट्रिया डेनमार्क और फ्रांस के साथ. ऑस्ट्रिया डेनमार्क और फ्रांस के साथ वॉर लड़ा 7 इयर्स का. उसके बाद क्या हुआ, वो जीत गए वॉर में, वो जीत गए. तो ये हमें फिफ्थ पॉइंट में दिया है कि वो वॉर में जीत गए. और उसके बाद क्या हुआ, एक जर्मनी, पूरा एक जर्मनी बन गया, जैसे अलग अलग देश में फैला हुआ था, अलग अलग किंगडम्स में फैला हुआ था. अब वो किंगडम्स को हटा के अभी एक ही राजा रूल करने वाला था. तो वो थे केसर विलियम वन. तो उन्होंने क्या किया, अब सब हट चुके हैं, सबके मतलब सब राजा हट चुके हैं, अब पूरी जर्मनी एक साथ हो गई है. जैसे अब पूरी जर्मनी एक साथ हो गई है तो अब क्या होगा, उधर का एक ही रूलर होगा. कौन था वो, इन जनवरी 1871 द प्रुशियन किंग केसर विलियम वन वॉज प्रोक्लेम जर्मन एम्पायर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्सलिस. तो वर्सलिस कौन सी जगह है, हमने जैसे पढ़ा था किसमें, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था क्लास 9th में. वर्सलिस जो जगह है वहां देखो, फ्रांस जर्मनी पूरी एकजुट हो गई, मतलब जर्मनी पूरी जर्मनी हो गई है. तो उधर का एक ही रूलर रहेगा, कौन रहेगा, केसर विलियम वन, जिन्हें क्या किया 1871 में उधर का राजा घोषित कर दिया गया. तो यही था हमारा जर्मनी यूनिफिकेशन के बारे में कि कैसे जर्मनी यूनिफाई हुई. तो उन्हें किसने जर्मनी यूनिफाई किया था, केसर विलियम वन ने किसे ऑर्डर दिया था करने को, ऑटोमन बिस्मार्क को. तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर ऑप्शन में आता है. एक क्वेश्चन हमें दिया गया है, व्हाट चेंज डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट इन द टेरिटरी रूल्ड बाय हिम. तो क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है कि जब नेपोलियन आए उन्होंने क्या क्या चेंजेस लाए. तो उन्होंने बहुत सारी टेरिटरी भी कैप्चर की थी, तो उस पूरी टेरिटरी में उन्होंने क्या क्या चेंजेस लाए वो हमें बताना है. तो इसको सॉल्यूशन स्टार्ट होता है हमारा, इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. द सिविल कोड ऑफ 1804 यूजुअली नोन एज द नेपोलियनिक कोड. तो इसे सिविल कोड बोला जाता है और इसे नेपोलियनिक कोड भी बोल सकते हैं. और ये जो फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला, ये आप लिखना चाहे तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहे तो नहीं लिख सकते हो. ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आंसर को मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए. तो ये टीचर पढ़ के ना ज्यादा मार्क्स देता है, आप ऐसे समझ सकते हो. ज्यादा मार्क्स नहीं देगा, मतलब उतना ही मार्क्स देगा लेकिन टीचर को अच्छा लगेगा पढ़ने में, ये आप लिख सकते हो. ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है कि सिविल कोड क्या होता है जो नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किया था, इसे बोल सकते हैं नेपोलियनिक कोड. तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या दिया है, नेपोलियनिक कोड डिड अवे विद ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन वर्क. तो ये इन्होंने बहुत अच्छा अच्छी चीज किया था कि जब नेपोलियन आए तो उन्होंने क्या किया, जो प्रिविलेजेस मिलती थी जन्म लेते ही, कैसे, जो देखो क्रिश्चियनिटी डोमिनेट करते थे, मतलब कि क्रिश्चियन के जो लोग थे या फिर हम कह सकते हैं जो मोनार्कीज थी, उनको देखो ना जैसे ही जन्म लेते हैं वैसे ही उन्हें क्या मिल जाती है, अलग अलग प्रिविलेजेस मिल जाते हैं. अगर हम लोग उसके अलावा देखें तो जो पीजेंट्स रहते हैं उन्हें कुछ प्रिविलेजेस नहीं मिलते, और साथ ही साथ जो मिडिल क्लास के लोग रहते हैं उन्हें भी नहीं मिलते. अब सेकंड पॉइंट हमें देखते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट में नेपोलियन ने ये खत्म कर दिया था, क्या, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ को इन्होंने हटा दिया था. सेकंड पॉइंट हमें दिया है, ही एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी. तो उन्होंने सेकंड पॉइंट में भी अच्छा किया है, उन्होंने इक्वल कर दिया है लॉ को, मतलब कि लॉ के ऊपर अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता, लॉ के सब इक्वली रहेंगे, लॉ के ऊपर कोई नहीं है. और साथ ही साथ सिक्योर राइट, द राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब कि अगर किसी की प्रॉपर्टी है तो इलीगल तरीके से वो कोई भी ले नहीं सकता उसे, चाहे कुछ भी हो जाए. अगर लेगा तो उसे कुछ पनिशमेंट मिलेगी, या फिर जेल में, या फिर डायरेक्ट खत्म हो जाएगा, ये हो सकता है. फिर थर्ड पॉइंट हमें क्या दिया है, नेपोलियन सिंप्लीफाइज द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन, अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड प्रिजंस फ्रॉम सर्वडन एंड मैनोरियल ड्यूज. तो नेपोलियन जब आए तो उन्होंने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन जो होते थे उधर, जो सब संभालते थे उसको एकदम इजियर कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया,
तो अच्छे से चलता था वो, और साथ ही साथ जो फ्यूडल सिस्टम चला आ रहा था और जो पीजन्स के सब जो ड्यूज बाकी थे मेनोरियल ड्यूज उन्हें भी उन्होंने क्या किया, सब खत्म कर दिया और अब एक नया सिस्टम लागू किया। अब फोर्थ पॉइंट हमें क्या दिया है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वेर इम्प्रूव। तो अब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम भी इन्होंने क्या किया था, इम्प्रूव किया था, और साथ ही साथ इन्होंने मॉडर्न आर्मी भी लाई थी। तो इन्होंने बहुत सारे मॉडर्न प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए थे। तो नेपोलियन आया, तो नेपोलियन को क्या बोला जाता है, मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप भी बोला जाता है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट हमें क्या दिया है, स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट वेर इंट्रोड्यूस। तो ये जो लाइन होगी ये आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी पढ़ी होगी और इस बार भी आप पढ़ रहे हो। तो आपने मेरा वीडियो अगर देखा होगा तो आपको पता होगा ये क्या है, अगर नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ। इसका मतलब अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, तो अगर मैं आलू लेने जाता हूँ और वो क्या करते हैं, जो आलू वाला रहता है वो मेरे को कोई भी चीज जैसे पत्थर या कुछ भी चीज उठा के बोलता है ये 1 किलो का है, और वो उससे मेजर करके दे देता है। मुझे क्या पता वो 1 किलो का हो, मुझे कम भी मिल सकता है। तो इसलिए नेपोलियन ने क्या किया, और अलग अलग जगह पे अलग अलग मेजरमेंट ले लेते थे, कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट वेर इंट्रोड्यूस। तो उन्होंने वेट और मेजरमेंट को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया हर जगह पे, पूरा जहां जितना जगह था वो कैप्चर करते थे उधर, कि सब एक इक्वली वेट और मेजरमेंट मतलब लेके चलेंगे। तो यही थे हमारे क्वेश्चन। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, कर दीजिए।